तो मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले आणंद जिल्लाना सुंदलपुरा खाते कार्यरत भारत बायोगेस एनर्जी लिमिटेडना प्लांटनी मुलाकात लई प्लांटना विविध विभागोनुं निरीक्षण कर्युं हतुं। तेमणे कंपनी द्वारा बायोगेस एनर्जीना माध्यमथी हाथ धरायेल प्राकृतिक खेती अने ऑर्गेनिक मिशनना कार्योनी जात माहिती पण मेळवी हती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए बेक टू बेसिकना ध्येयने हासिल करवा प्राकृतिक खेतीनो व्याप वधारवा धरतीपुत्रोने करेला अनुरोधने गुजरातना धरतीपुत्रो साथे मळीने साकार करे तेवुं आह्वान मुख्यमंत्रीए कर्युं हतुं। तेमणे आ संदर्भमां कह्युं कि प्राकृतिक खेतीथी पर्यावरणना जतननी साथोसाथ पाणीनी बचत अने खेत उत्पादनना सारा भावो मळवाना त्रिविध लाभ पण थाय छे। एटलू ज नहीं, प्राकृतिक खेतीथी पकवेला धान्य रासायणिक खातर मुक्त होवाथी मानव स्वास्थ्य माटे पण फायदाकारक छे। मुख्यमंत्रीए कंपनीना चेरमेन अने डायरेक्टर साथे बैठक योजीने जणाव्युं हतुं के गुजरात प्राकृतिक कृषि क्षेत्रे आगळ वधे ते माटे राज्य सरकारनो संपूर्ण सहयोग प्राकृतिक खेतीने वेग आपवामां मळी रहेशे। भारत बायोगेस एनर्जी लिमिटेड द्वारा विविध उत्पादनोना माध्यमथी हाथ धरायेल ग्रीन एनर्जी अने ऑर्गेनिक मिशनना कार्यने तेमणे बिरदाव्युं हतुं। सीएम साहेब एटला माटे पधार्या के एमनू एक विजन अने मिशन छे के गुजरात ने आपणे ऑर्गेनिक प्राकृतिक बनाईए, एटले आ प्लांट उपर ग्रीन एनर्जी पैदा थाय छे अने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पैदा थाय छे। तो साहेब ए विजन थी आव्या था कि गुजरात में आपणे आवा केटला प्लांट करी शकीए अने मक्कम निर्धार करीने गया छे कि गुजरात में आपणे एटलीस्ट दरेक डिस्ट्रिक्टमां एक नानी साइज नो नहीं पण 50 થી 60 ટનની કેપેસિટીનો પ્લાન્ટ આપણે કરીએ।